तीन तलाक बिल पर बीजेपी को जेडीयू का जोरदार झटका। तीन तलाक के मुद्दे पर एनडीए में दरार की असली वजह क्या है? मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से आजादी दिलाने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा ताकि ये कानून की शक्ल ले सके। लेकिन इस बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने से पहले ही सत्तारूढ़ एनडीए में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ नहीं देने का फैसला किया है। जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्यसभा में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई तो पार्टी इसके समर्थन में वोट नहीं करेगी। जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि ट्रिपल तलाक के पक्ष में हम लोग अभी नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़े समुदाय की परंपरा में कुछ तौर तरीके बने हुए हैं। इस ट्रिपल तलाक से लाखों महिलाएं प्रभावित होंगी। जेडीयू नेता ने कहा कि तीन तलाक पर उस समुदाय के लोगों से उनकी भावनाओं के साथ बातचीत करके एक समाधान निकालना चाहिए। मैं इसलिए मानता हूं कि मौजूदा स्वरूप में ट्रिपल तलाक के हम लोग पक्षधर नहीं हैं। इस दौरान उनसे जब पूछा गया कि वोटिंग के दौरान जेडीयू का क्या रुख होगा तो उन्होंने दो टूक कहा कि हम समर्थन में वोट नहीं करेंगे। उधर तीन तलाक पर जेडीयू के इस रुख से कांग्रेस को बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि जेडीयू ने भी जता दिया कि एनडीए में सब लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। अपना दल और राजभर पहले ही बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा चुका है। आपको बता दें कि तीन तलाक बिल जितनी आसानी से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं होने की वजह से इसकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही। लेकिन बिल पर जेडीयू के रुख से बीजेपी को झटका जरूर लगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।